गुड मॉर्निंग टू ऑल। ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ाई कर रहा था, 26 तारीख कल एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में शुरू किया गया। इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। हमने आपको बताया था, कल भी बताया था कि 1986 के पहले हमारे भारत देश में शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हमारा शिक्षा काफ़ी गर्त की ओर जा रहा था, हमारे शिक्षा में कोई तरह का विकास नहीं हो रहा था, देश की जनता जो शिक्षित नहीं हो रहे थे, और शिक्षित नहीं हो रहे थे तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा था और देश का उत्तरोत्तर विकास नहीं हो रहा था। तो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया। यह दोनों सदनों के प्रबुद्ध वक्ताओं ने, मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों ने, वैज्ञानिकों ने इसमें हिस्सा लिया और 23 कार्यदलीय समिति का गठन किया गया। 23 कार्यदलीय समिति का गठन किया गया जो 1986 में लागू हुआ। इसमें सबसे पहले था कि नारी शिक्षा को बढ़ावा देना। हमारे आधी आबादी नारी की है, तो नारी शिक्षा जब तक शिक्षित नहीं होगी तब तक हमारा देश का उत्तरोत्तर विकास नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें था नारी शिक्षा को बढ़ावा देना, स्कूली शिक्षा के पाठ्य वस्तु को क्रियाशील बनाना, अल्पसंख्यकों को शिक्षा देना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को शिक्षा देना और उच्च पदों पर उन्हें पदस्थापित करना। आज उसी का रेस्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ेंगे। कल जैसे हमने पढ़ा था कि अल्पसंख्यकों को शिक्षित बनाना, माने जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटीज हैं, जो लुप्त होते जाते हैं, उनको शिक्षित बनाना। नेक्स्ट पॉइंट आज हम लोग पढ़ेंगे दिव्यांगों को शिक्षा देना। दिव्यांगों को शिक्षा देना। दिव्यांग से आप समझ रहे हैं, दिव्यांगों को, इसका इंग्लिश होगा एजुकेशन फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन। ऐसे चिल्ड्रेन जो दिव्यांग है, जो असक्षम है, जो डिसेबल है, जो असाधारण है, उनको शिक्षा देना 1986 में इस बात का लागू किया गया। पहले किसी के घर में दिव्यांग बच्चे जन्म ले लेते थे तो माता पिता उसको अभिशाप समझकर, माता पिता उसको बोझ समझकर भरण पोषण करते थे, किसी तरह खिलाकर पेट भरकर उसको जिंदा रखते थे। लेकिन 1986 के बाद दिव्यांगों को प्रॉपर ढंग से शिक्षा देने गया और दिव्यांग भी उसी तरह विकास करने लगे जैसे हमारे होमोजीनियस छात्र करते हैं। तो इसलिए दिव्यांगों को शिक्षा देना, एजुकेशन फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, जरूरी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रौढ़ शिक्षा या सतत शिक्षा। इसका इंग्लिश क्या होगा आप बता सकते हैं? प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन या कंटिन्यूअस एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा या कंटिन्यूअस एजुकेशन। इसमें क्या है कि कुछ लोग 50 वर्ष की उम्र तक ही पहले अशिक्षित हो जाते थे, उन्हें सिग्नेचर करने नहीं आता था, उन्हें बैंक से पैसा निकालने नहीं आता था, उन्हें किसी से बात करने नहीं आता था। तो 1986 के बाद हमारे देश में प्रौढ़ शिक्षा का प्रावधान लागू किया गया, इनके लिए रात्रि विद्यालय बनाया गया और यह सतत होने लगा। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा दिए, दो दिन छोड़ दिए, प्रौढ़ भूल गए, नहीं, लगातार डे बाय डे, मंडे टू सैटरडे, इसको सतत शिक्षा के रूप में बनाया गया। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन। इसी के साथ है प्रारंभिक शिक्षा। इसमें है कि ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन, इंग्लिश होगा ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन एजुकेशन या
एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब हमें ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बताना है, तभी हमारे सामने जो बैठे हैं प्रौढ़ बैठे हैं बच्चे बैठे हैं उनको जल्दी याद हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ चीज़ वो अपने कॉपी में लिखेंगे और उसके बाद से उनको तुरंत याद हो जाएगा, वो घर में भी जाकर उसका रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन शुरू किया गया 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व बाल्यकाल परिचर्या। पूर्व बाल्यकाल परिचर्या की शिक्षा, मतलब जैसे कि आप अभी देखते हैं मोंटेसरी स्कूल, किंडरगार्टन, आप अभी देखते हैं नर्सरी स्कूल, प्री एलिमेंट्री स्कूल, एलकेजी, यूकेजी, ये सब क्या है? एलिमेंट्री स्कूल के पहले की शिक्षा है। मतलब इसमें बच्चों को स्कूल जाने की आदत सिखाई जाती है, बच्चों को पढ़ने की आदत सिखाई जाती है, बच्चों में रूटीन डेवलप किया जाता है, बच्चों में नैतिकता डेवलप किया जाता है, बच्चों में टीचर टू स्टूडेंट को सम्मुख होने की बात सिखाई जाती है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा। इसी समय नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के तहत 1986 में उच्च शिक्षा का प्रावधान किया गया। हम एमएड कर सकते हैं, हम एमएससी कर सकते हैं, हम पीएचडी कर सकते हैं, हम डीलिट हो सकते हैं, हम लॉ में पढ़ सकते हैं, हम मेडिकल में एमडी कर सकते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं, हम कुछ इनोवेशन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा का प्रावधान नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के बाद शुरू हुआ। और एक और पॉइंट है व्यवसायीकरण की शिक्षा, इसका इंग्लिश क्या होगा? वोकेशनल एजुकेशन। व्यवसायीकरण की शिक्षा, इसका इंग्लिश होगा वोकेशनल एजुकेशन। जैसे कि आप बीएड कर रहे हैं, आप वोकेशन से जुड़े हुए हैं, आप बीएड करके टीचर बनेंगे, इसी तरह लोग मेडिकल का वोकेशनल करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियरिंग का करेगा इंजीनियर बनेगा, कोई लॉ का करेगा तो लॉयर बनेगा, कोई किसी चीज़ का करेगा तो उसमें जाएगा। तो व्यवसायीकरण की शिक्षा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 के बाद से शुरू हुआ और उसमें बताया गया कि ये सब सारी शिक्षाओं का अगर हमारे देश में शुरुआत हो तो हमारा देश का उत्तरोत्तर वृद्धि होगा और हमारे बच्चे भी मेन स्ट्रीम तक जाएंगे। धन्यवाद।